कोलकाता की घटना को लेकर देश भर में न केवल अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, बल्कि आईएमए ने भी अब घोषणा कर दी है कि वो उनका पूरी तरह से साथ देगा और जब तक जस्टिस नहीं मिल जाता तब तक वो किसी न किसी प्रकार की गतिविधि करता रहेगा। आईएमए के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो हैं संदीप, डॉक्टर संदीप जी हमारे साथ में हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ और डॉक्टर्स भी हैं, संबंध की कोशिश करेंगे। आईएमए ने क्या डिसीजन लिया है? जो आप संबंधित घटना से आप पूर्णतः परिचित हैं, जो जितना जघन्य हत्याकांड एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुआ है, अभी तक वो किसी तर्कपूर्ण रास्ते पर नहीं पहुँचा है और घटनाएं आगे बढ़ती जा रही हैं। जैसा दो दिन पहले आप सबको पता चला होगा कि वहां पे जाके एक मॉब ने पूरा का पूरा अस्पताल, पूरी इमरजेंसी सर्विसेज वेंडलाइज कर दिए गए, तो वो न्याय तो उस महिला को मिलने की तो बात दूर ही थी, बाकी और जो डॉक्टर वहां पे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उनको सबको आतंकित किया गया, रास्ते में जो मिले उनको मारा गया। और इवन यहाँ तक खबर आई है कि जो सेमिनार रूम था जहाँ पे ये संबंधित जो उसके साक्ष्य थे उसको भी पूरा उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। वहाँ पुलिस खड़ी रही है, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, ना मॉब को काबू करने का प्रयास किया गया। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो कहीं एक सुनियोजित तरीके से पूरा कार्य किया गया था। इसके संदर्भ में कल एक इमरजेंसी मीटिंग सेंट्रल आईएमए की एक कल बुलाई गई थी, उसमें एक निर्णय लिया गया है कि कल दिनांक 17/8/24 को सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक समस्त भारतवर्ष में केवल इमरजेंसी सेवाएं डॉक्टर दे पाएंगे। इससे अलग जो भी ओपीडी सेवाएं, अस्पताल, आपकी लैब्स, आपके रेडियोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, सबके सब कल 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। परंतु हम मानवीय हैं, हमारा काम मानवीयता से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर हम ये पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो लोग इमरजेंसी से पीड़ित हैं, जो लोग दो दिन का इंतजार नहीं कर सकते उनको हम पूरी सेवाएं देंगे, परंतु हम अस्पताल में इमरजेंसी सेवाएं शुरू रखेंगे, प्राइवेट में कोई इमरजेंसी सेवाएं भी लागू नहीं होंगी। और मैं इससे जनता से एक आग्रह करना चाहता हूं, जो लोग केवल इमरजेंसी बीमारियों से बाधित हों, परेशान हों, वो ही अभी दो दिन के लिए इन इंस्टीट्यूशंस में आएं, जो लोग वेट कर सकते हैं वो वेट करें। डॉक्टर साहब ये भी बता दीजिए, आपके जिस तरह से हमने जो तस्वीरें देखी हैं वो पश्चिम बंगाल से तो सामने आई थी, लेकिन इनका व्यापक देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में इसका असर देखा जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं एक आईएमए के सदस्य होने के नाते? मुझे लगता है कि जो भी बंगाल में हुआ वो कहीं से भी उचित नहीं है, मतलब हम अपनी बोलें तो दैट इज अनअसेप्टेबल एट ऑल। एक्चुअली जो होना चाहिए था वो कंसर्न थे कि महिला सेफ्टी जो होना चाहिए था वो प्रोवाइड नहीं की गई तरीके से, और जो इश्यू बना उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, इवन फैमिली को, इवन परिवार को, पूरे स्टेट को, फिर लेटर उसमें मॉडिफिकेशन किए गए, तो कहीं ना कहीं से इन सब चीज़ों को ऐसा किया गया कि मॉड्यूलेट किया गया एक्चुअली में लोकल लेवल पे, जिसमें उनकी टीम आईए में कल से 6 बजे से लेकर दूसरे दिन 6 बजे तक बंद रहेगी। कितना असर पड़ेगा मरीजों पे? काफ़ी कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन ज़्यादातर प्राइवेट डॉक्टर्स के क्लिनिक्स पे आती है, प्राइवेट नर्सिंग होम्स में आती है, तो उनका जो सुनियोजित उपचार जो हो सकता है या उनको जो लाभ हो सकता है वो कल नहीं मिल पाएगा। तो जब मरीज इस संबंध में जो इलेक्टिव मरीज रहेंगे तो वो अगर सफ़र करेंगे तो असर पड़ेगा, स्वास्थ्य सुविधाओं पर असर पड़ेगा। स्वास्थ्य सुविधाओं पर न केवल असर पड़ेगा बल्कि वो तस्वीरें जो किसी को भी किसी भी तरीके से अच्छी नहीं लगती, उन तस्वीरों का विरोध भी करना ज़रूरी है। यही वजह है कि आईएमए के डॉक्टर्स ने अब सड़क पर उतरकर उस जूनियर डॉक्टर को न्याय दिलाने की बात कहते हुए शनिवार सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक मेडिकल सेवाएँ बंद रखने का ऐलान किया है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV। कोलकाता मेडिकल कॉलेज के भीतर जो कुछ भी हुआ वो अमानवीय भी था और डॉक्टरों के लिए एक चिंता का विषय भी। यही वजह है कि देश भर के डॉक्टर न केवल इस घटना का विरोध कर रहे हैं बल्कि कहीं ना कहीं महिला डॉक्टर पूरे देश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं और सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उनके सुरक्षा इंतजामों पर एक बार फिर से समीक्षा की जाए। इस विषय को लेकर के हम बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में, जहां जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर और इंटर्न डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत लगातार हम करने की कोशिश करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोलकाता की घटना सामने आई है इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? आज हमने 1 घंटे का ओपीडी में पेन डाउन किया है, बाकी हमारी इमरजेंसी सर्विसेज और बाकी ओटी और नॉर्मल चीज़ें सब चल रही हैं। केवल हम 1 घंटे के लिए हमारे जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया स्ट्राइक पे चले गए हैं, हाँ, जो कोलकाता में विभत्स घटना घटी
और जिसके जिसके लिए हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हाँ उसका तो हम बहुत 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 ज़्यादा चाहते हैं कि उसमें जस्टिस मिले हमें, और हम अपने जूनियर डॉक्टर्स के साथ में कंधे से कंधा मिला के चलते रहें। आपको क्या लगता है मैडम कि जो अभी तक सरकार ने किया है या CBI की जो जांच बैठी है, क्या वो पर्याप्त है और सही दिशा में जा रही है, या अभी तक जिस तरह के आरोप लग रहे थे कि जांच भी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही? सही है कि जांच तो अभी ठीक तरह से हुई नहीं है, अगर होती तो कोई ना कोई तो सामने आता, गुनहगार जो है पकड़ा जाता। कि ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस अगर या CBI जांच करे और पता ना चले। और सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि एक कोई बड़ा रैकेट इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि एक इंसान का इसमें हाथ नहीं है, क्या कहते हैं आप? इसका अभी हम नहीं बोल सकते कि वहाँ पे क्या चल रहा है, बट जो हुआ है उस लड़की के साथ वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है, और उसके अगेंस्ट हम उसके सपोर्ट में है सब। ये महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर, डॉक्टर इसकी कहानी नहीं है, ये महिलाओं की कहानी है, और ये जो हाँ, और ये पूरे मतलब एक निर्भया कांड काफी नहीं था शायद हमारे लिए कि हम जाग पाए, और आज भी आप ये देख सकते हैं कि हम इस प्रांगण में खड़े हैं। सिक्योरिटी के नाम पे हमें कुछ नहीं मिला, बस 2-4 गार्ड्स यहाँ खड़े हो जाते हैं कि हाँ ये सिक्योरिटी हो गई। रात में एक आधा गार्ड होता है, एक गार्ड भी कितना कर लेगा, एक गार्ड अपनी जान पे बन के कितना कर लेगा। गायनी विभाग में मतलब इतने सारी मॉब की मॉब आती है, कोई सुरक्षा हमें आज तक तो प्रदान नहीं की गई, फिर भी हम 24 घंटे लोगों के लिए खड़े हैं और अपनी ड्यूटी करते रहेंगे। आप ये बता दीजिए कि जैसा बताया जा रहा है कि शनिवार 6 बजे से लेकर के दूसरे दिन 6 बजे तक मेडिकल सर्विसेज बंद रहेंगी, तो इसका असर कितना रहेगा? इसका असर जिनके लिए किया जा रहा है उन पे पड़े तो अच्छा रहेगा। एक्चुअली इमरजेंसी सर्विसेज ही रहती है जो पेशेंट्स के लिए हम लोग स्ट्राइक करते तो भी हम लोग उसको कंटिन्यू रखते हैं, पर जिस तरीके से ये डिले होता जा रहा है, जस्टिस कुछ किया नहीं जा रहा है, तो उसके लिए ये स्टेप लिया गया है। मैडम आप ये बता दीजिए कि क्या यहाँ भी सुबह 6 बजे से लेकर के दूसरे दिन 6 बजे तक सर्विसेज बंद रहेंगी? नहीं, गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ हमारी सर्विसेज जैसी चलती हैं वैसे ही चलेंगे। ये IMA के द्वारा लिया हुआ डिसीजन है, जिसमें हम लोगों के द्वारा जो प्राइवेट हॉस्पिटल में या OPD हम लोग जो चलाते हैं उसको हम लोग विरोध करके उसको बंद रखेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चालू रहेंगे, जो फैसिलिटी जो मिलती है यहाँ वो बराबर चालू रहेगी। तो डॉक्टरों ने कहा कि जिस तरह से आज इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो केवल एक डॉक्टर या महिला डॉक्टर का मामला नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं महिलाओं का मामला है, और शायद एक निर्भया कांड इस देश के लिए पर्याप्त नहीं था वेकअप कॉल लेने के लिए, जो इस तरह की दोबारा घटना हो जाती है और समूचा समाज हिल जाता है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी नितिन शर्मा के साथ अतुल गौड़, NDTV।